लल्लनटॉप की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, मैं हूं निशांत और आप देख रहे हैं द लल्लनटॉप। कोरोना वायरस को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की भूमिका पर सवाल उठते रहे हैं। अब WHO ने उस मीडिया रिपोर्ट को खारिज किया है जिसमें दावा किया गया कि कोरोना पर चीन ने WHO से वैश्विक चेतावनी में देर करने को कहा था। दावा किया गया था कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने WHO डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनॉम से ये बात जनवरी में एक फोन कॉल में कही। जर्मनी की न्यूज़ मैगजीन देर स्पीगल ने वहां की इंटेलिजेंस के हवाले से ये रिपोर्ट छापी। इसमें कहा गया कि शी जिनपिंग और टेड्रोस एडनॉम के बीच 21 जनवरी को बात हुई जिसमें चीन के राष्ट्रपति ने व्यक्ति से व्यक्ति में कोरोना के संक्रमण की जानकारी छुपाने को कहा। WHO ने इस दावे को नकारा है और झूठ बताया है। WHO की तरफ से किए गए कई ट्वीट्स में कहा गया कि शी जिनपिंग और टेड्रोस एडनॉम के बीच फोन पर बात नहीं हुई। WHO ने अपने ट्वीट में कहा, देर स्पीगल की रिपोर्ट जिसमें कहा गया है कि डॉक्टर टेड्रोस और प्रेसिडेंट शी के बीच फोन पर बात हुई, ये पूरी तरह असत्य है। उनकी 21 जनवरी को कोई बात नहीं हुई और उन्होंने कभी फोन पर बात की ही नहीं है। इस तरह की गलत रिपोर्ट COVID-19 से लड़ने में WHO और दुनिया के प्रयासों को भटकाती हैं। WHO ने कहा, चीन ने व्यक्ति से व्यक्ति में संक्रमण की बात 20 जनवरी को कंफर्म की। 22 जनवरी को WHO ने सार्वजनिक तौर पर घोषित किया कि इकट्ठा किए गए डेटा से पता चलता है कि वुहान में व्यक्ति से व्यक्ति में ट्रांसफर हो रहा है। WHO ने मार्च महीने में कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया था। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आरोप लगाते रहे हैं कि WHO चीन से मिला हुआ है। उन्होंने WHO की फंडिंग भी रोक दी थी। इसके अलावा उन्होंने कोरोना वायरस के फैलने में WHO के रोल को लेकर जांच भी बिठाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि WHO चीन की तरफ झुका हुआ है और बीजिंग का पाइप ऑर्गन है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के अब तक 40 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं और करीब 2,80,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें करीब 10,38,000 लोग ठीक भी हुए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और लल्लनटॉप का ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। धन्यवाद। दी लल्लनटॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। YouTube और Facebook पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, लल्लनटॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लनटॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लनटॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लनटॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लनटॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।